नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है तुलसी की लकड़ी की 15 अजूब उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। जिस घर में तुलसी को हर दिन पूजा जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधि और पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रख रखा बंद करने के कारण वह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। तुलसी की लकड़ी से बनी तुलसी माला को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या कर्ज से परेशान हैं तो आप तुलसी की लकड़ी के कुछ अजूब उपाय अपना सकते हैं। तुलसी की लकड़ी के करे उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और कुछ समय बाद उससे स्नान करें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा। दो, तुलसी की जड़ का करें उपाय। ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो उसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर उसे अपने बाजू में बांध लें। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तीन, तुलसी के साथ लकड़ियों को एक साथ लेकर सूती या फिर सफ़ेद धागे की बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दे और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। चार, तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियाँ लेकर फिर से इन्हें बांध ले और विधि व पूजा करने के बाद वर्ष तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ सूखी तुलसी के करें ये उपाय। सूखी तुलसी की छोटी छोटी छह लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें और इसके बाद इन्हें एक साथ सूत से बांध दे। इसके बाद इन्हें घी में डुबो कर दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इसे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पत्र त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। तुलसी की जड़ का करें ये उपाय। ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है। आठ, तुलसी की मंजरी का करें ये उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से उनका धन वापस मिल जाता है, साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दे और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छींके। इससे आपकी सभी समस्याएँ दूर हो जाएगी। नौ, सूखी तुलसी की पत्ती का करिए उपाय। ज्योतिष के हिसाब से थोड़ी सी तुलसी की सूखी पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपने धन रखने वाले स्थान या फिर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में लाभ होता है। दस, तुलसी के पत्ते का करें उपाय। ज्योतिष शास्त्र में अगर घर की शांति चली गई है तो तुलसी के चार पाँच पत्ते ले और धो कर उसे पीतल के लोटे में साफ जल में डाल दे। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और घर में सुख शांति का भी वास होता है। एक कार्य धन लाभ के लिए आर्थिक संबंधी समस्याओं से परेशान है
तो तुलसी को रोजाना सुबह जल चढ़ाए और शाम को दीपक जलाए। इसके साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में पहन ले, इससे आपको लाभ मिलेगा और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। 13-12 नेगेटिव एनर्जी के लिए, अगर आपके घर या फिर ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है तो तुलसी की जड़ की माला बना ले और उसे मंदिर या फिर किसी स्थान में रख दे, इससे आपको लाभ मिलेगा। 13 तनाव मुक्ति के लिए, मन की शांति और तनाव मुक्त होने के लिए तुलसी की जड़ की माला बना ले। आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं, इसे आप गले में हमेशा पहने रहे, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को से भी बचाव होगा। 14 मनचाही संतान पाने के लिए, जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के जीतीपन से बहुत परेशान है, उनकी संतान उनके नियंत्रण में नहीं है और अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, ऐसे स्थिति में पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते किसी न किसी रूप में अपनी संतान को खिला दे। ऐसा करने से आपकी संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगेगी। 15 मनचाहा विवाह करने के लिए, तुलसी के टोटके यदि आप अपनी कन्या के लिए जो वेवर की तलाश कर रहे हैं और उनको सूर्योग नहीं मिल रहा है, इससे कन्या के विवाह में विलम्ब हो रहा है, ऐसी स्थिति में कन्या के द्वारा तुलसी के पौधे को नित्य जल अर्पण करने और परदक्षिणा करने से जल्दी ही मनचाहा वर मिल जाता है। 16 व्यवसाय में उन्नति के लिए, तुलसी के टोटके जिन लोगों का व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों के साथ द्वारा तुलसी के पौधे पर प्रत्येक शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करने और मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिनी स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में जल्दी ही सफलता मिलने लगती है। 17 मान सम्मान पाने के लिए, तुलसी के बीच के टुटके नौकरी पेशा लोगों के लिए है, यदि उनको अपने सहयोगी या उत्तराधिकारियों की वजह से परेशानी हो रही है तो ऐसे लोग आप इसमें खाली जमीन या किसी गमले आदि जहाँ मिट्टी हो वहाँ पर सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीजों को किसी सफ़ेद कपड़े में बांध कर सुबह सुबह दबा दें, उनको अपने सहयोगी या उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होने लगेगा। 18 सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, तुलसी की सुखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी अपने पति के सीधे हाथ में बांधे, इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। उन्हें इस तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है, लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई वजह नहीं होती बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव ही हो सकता है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पतिव्रता बनाए रखता है। लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस सामान से ही बाहर निकलना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे पौधे को भी रविवार के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे बाहर निकाल कर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगती है तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है तब भी उसे गले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लग पा रही है तब तक इस गमले की पूजा कर सकती है जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, राम तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी राम को माना जाता है। सभी तरह की तुलसी में राम तुलसी को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे प्रमुख, तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में ना लगे। रविवार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जन्म नहीं देनी चाहिए। एकादशी में तुलसी जी
भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती है। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरी स्थान पर ना रखे और उसे घर के अंदर में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। नोट, यह तमाम जानकारी ज्योतिष को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर अजमाए कमेंट करें। का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस सदाओं में हम किसी प्रकार का कोई दवा नहीं करते। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपका अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखे। धन्यवाद।